अंजलि जानती हो, जब तुम मुझे छोड़ के चले गई तब मेरे जेब में 50 पैसे नहीं थे, आज मेरे पास 500 करोड़ है, 500 करोड़ रुपए। तुम सोच भी नहीं सकती 50 से 500 का करोड़ सफर मैंने कैसे तय किया होगा। मैं रोज चलता था, थकता था, गिरता था, उठता था, जख्म बहते थे, लहू बहता था, फिर चलता था, फिर थकता था, लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे दिल और दिमाग में सृष्टि किरणों की तरह चिड़कर निकलती थी और कहती थी, एक कदम और आगे देव, एक कदम और। इस तरह कदम से कदम बढ़ाकर मैंने 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन ये सब कुछ नहीं, क्योंकि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, ये सब बकवास है। चलो अंजलि, नहीं देव, मैं नहीं आ सकती, मैं शादीशुदा हूँ। अंजलि ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी जोर जबरदस्ती से की गई थी, एक इंसान से नहीं, बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शानो शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शानो शौकत, वही रुतबा मेरा है, तो तुम मेरे हुई ना। नहीं देव, मैं नहीं जानती कि मेरी शादी किससे तय की गई थी। मैं तो बस इतना जान चुकी हूँ कि जिस आदमी से मेरी शादी हो चुकी है वही मेरे पति है, उन्हें मैं पूछती हूँ। मेरी हर सांस में, हर धड़कन में राम बसे हुए है। तुम कहीं नहीं हो देव, कहीं नहीं। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी होगी, मेरी। तो तुम भी सुन लो देव, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं उनकी हो चुकी।